नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया जिले के विकास कामों का जायजा। मनपा स्थायी समिति सभा में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई। शेगांव पैदलवारी मार्ग की भयंकर दुरावस्था। प्रशासन ने चलाया छात्रों के लिए स्वयंदीप उपक्रम। और शत प्रतिशत अपंग गायत्री बनी सभी के लिए प्रेरणा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। विकास कार्यों को और गति प्रदान करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री नामदार संजय धोत्रे की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय के लोकशाही सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विविध विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इस बैठक में जिले में चल रहे रास्तों के निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कर्ज माफी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल निर्माण कार्य सहित केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी ली गई। इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, परिवहन अधिकारी विनोद जीजकार, शहर यातायात नियंत्रण शाखा प्रभारी गजानन शेलके सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा ली गई। इस सभा में अपने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया, साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। बुधवार को अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति की सभा ली गई। इस सभा में कुल 8 विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मनपा की कचरा घंटा गाड़ियों सहित अन्य वाहनों पर GPRS व GPS लगाने का मुद्दा स्थगित किया गया। महापालिका के कामकाज में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई पर चर्चा करने के बाद गोपाल मूले नामक कर्मचारी को निलंबित किया गया तथा प्रशांत देशमुख पर भी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ई निविदा टेंडर में प्राप्त निविदा को मंजूरी, स्ट्रीट लाइट के बिजली कंपनी के बिल को अदा करना, 25 लाख से अधिक की कीमत के कामों को स्थायी समिति सभा की मान्यता देना, कीटनाशक औषध खरीदी आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस सभा में स्थायी समिति सभापति, सदस्य, नगर सचिव प्रमुखता से उपस्थित थे। संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज का 142वां प्रगट दिन शनिवार 15 फरवरी को है। श्री के प्रगट दिन पर हजारों श्रद्धालु पैदल ही शेगांव की ओर निकलते हैं, परंतु शेगांव की ओर जाने वाली सड़कों की हालत खस्ताहाल नजर आ रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा स्थान संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज का 142वां प्रकट दिन शनिवार 15 फरवरी को है। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन पर हजारों नागरिक पैदल ही शेगांव की वारी करते हैं, जिसके कारण शेगांव मार्ग को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। श्री के प्रकट दिन के एक दिन पहले से ही विभिन्न गाँव के लोग पैदल ही शेगांव की ओर निकलते हैं। पिछले कुछ सालों में अकोला शेगांव मार्ग की छलनी हो गई है, पूरी सड़क पथरीली हो गई है। इस मार्ग के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। इस मार्ग पर पहले स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए थे, जो कब के गायब हो गए हैं। अकोला से गायगांव, गायगांव से निम्बा फाटा, आगे अड़ोसी कड़ोसी कसूरा से नागजरी होते हुए शेगांव जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन पर इस मार्ग पर जगह जगह चाय पानी फराल की व्यवस्था की जाती है। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन को देखते हुए कम से कम इस मार्ग को पैदल चलने लायक बनाया जाए, इस प्रकार की अपेक्षा संबंधित विभाग से की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से MPSC की पूर्व तैयारी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयंदीप उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए सुपर 30 छात्रों का चयन किया गया है।
प्रशासन में अकोला जिले के राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिशत बढ़े इसके लिए छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो इसके लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय व शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कक्ष की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयंदीप अभियान जिलाधिकारी कार्यालय में शुरू किया गया है, जिसमें जिले के सुपर 30 छात्रों का चयन कर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की निशुल्क जानकारी देने का उपक्रम शुरू किया गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के मार्फत विविध पदों के लिए ली जाने वाली स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले जिले के छात्रों के लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्येक माह की 5 तारीख को मार्गदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से चुने गए सुपर 30 छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से के मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयंदीप अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए जिले के सुपर 30 छात्रों का चयन किया गया है, जिन्हें रोजाना 3 विशेषज्ञों के मार्फत MPSC परीक्षा का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिसके कारण स्पर्धा परीक्षा में छात्रों की प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण भाग के छात्रों को इस उपक्रम के माध्यम से विविध विषय सिखाए जा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी, प्राध्यापक व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक किसी भी प्रकार की फीस लिए बिना मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह उपक्रम निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वयंदीप अभियानांतर्गत UPSC ने MPSC साठी आम्हाला स्पर्धा परीक्षांमध्ये जे मार्गदर्शन हवं आहे, जे इतर क्लासेसवर आम्हाला कितीतरी फीस दिली तरीसुद्धा ॲक्च्युअलमध्ये जे लोक ती परीक्षा देऊन पास झाले आहेत, पदावर बसलेले आहेत, त्या लोकांचं मार्गदर्शन मिळत नाही, तशा पद्धतीचं मार्गदर्शन इथे आम्हाला मिळत आहे। नेमकं परीक्षेला कसं सामोरं जायचं, स्ट्रॅटेजी कशी असायला पाहिजे असं शिकवणारे अनेक जण असतात, पण ज्यांनी खरंच ती एक्झाम दिली आहे इथे येऊन त्या वातावरणात अभ्यास करणं, त्यांचे अनुभव ऐकणं आणि त्याच्या माध्यमातून स्वतःचे मत बनवणं, स्वतःची स्ट्रॅटेजी ठरवणं, याचा फायदा आम्हाला नक्कीच होतो। दर्यापूर तहसील के अंतरगाँव निवासी गायत्री नामक युवती ने शत प्रतिशत दिव्यांग रहने के बाद भी अपने कर्तृत्व से सभी के लिए प्रेरणा का काम किया है। गायत्री को सरकार की ओर से सहायता की दरकार है। अमरावती जिले के अंतरगाँव शिवाजी निवासी गायत्री चंद्रशेखर निहाटकर के जन्म होते ही सभी को आघात पहुंचा था। पहले ही घर की स्थिति अत्यंत साधारण, उसमें भी दोनों हाथों के पंजों के बिना जन्मी कन्या को देखकर सभी के मन में यही विचार आया कि अब यह जीवन कैसे जिएगी। परंतु दूसरे ही क्षण इन विचारों पर मात करते हुए गायत्री के जन्मदाताओं के प्रेम और जिद के कारण आज दिव्यांग गायत्री ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दरियापुर तहसील के अंतरगाँव शिवाजी निवासी चंद्रशेखर निहाटकर की 22 वर्षीय पुत्री गायत्री का जन्म एवदा के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में हुआ, जिसके जन्म लेते ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र में खलबली मच गई थी। गायत्री के जन्म से ही दोनों हाथ के पंजे नहीं थे, परंतु गायत्री ने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर सभी के लिए प्रेरणा बनी है। गायत्री के दोनों हाथों के पंजे न रहने के बाद भी वह सारे काम सामान्य लोगों की तरह करती है। गायत्री ने पदवी तक शिक्षा प्राप्त की है, कंप्यूटर के कोर्स में उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। ये सभी काम करते समय उसे रंग मात्र भी दुख नहीं होता है कि वह दिव्यांग है। अपने घर में भोजन बनाना, रंगोली साकारना, पानी भरना, कपड़े धोना, लिखना, माता पिता के काम में हाथ बटाना, खेती के काम गायत्री आसानी से करती है। परंतु दिव्यांग गायत्री को अभी तक शासन की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। 100% अपंग गायत्री के पालकों ने कई बार सरकारी कार्यालयों से गुहार लगाई है, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली है। फिर भी गायत्री ने अपने प्रयासों को न छोड़ते हुए स्वावलंबी जीवन जीते हुए सभी के सामने मिसाल बनी है। अमरावती जिले के विधायक तथा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू दिव्यांगों के लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। उनसे गायत्री को शासन से कुछ सहायता मिले, इस प्रकार की अपेक्षा गायत्री व उसके परिजनों की है। माझं नाव गायत्री चंद्रशेखर निहाटकर, राहणार अंतरगाव शिवाजी, तालुका दर्यापूर, जिल्हा अमरावती। कधीपासून अपंग आहे? जन्मापासूनच आहे। जन्मापासून अपंग आहे? आतापर्यंत काही शासनाच्या सुविधा नाही? काहीच नाही। काहीच नाही भेटलं? नाही। आता शिक्षण किती झालं तुझं? BA फायनल। BA फायनल झालं पूर्ण? आता काय अपेक्षा आहेत तुला शासनातर्फे? काही मदत मिळावं, काही नोकरीची आशा। बरं, अधिक काही कॅम्प्युटर वगैरे काही केलेलं नाही? कॅम्प्युटर झालाय ना, MSCIT 87% मार्क्स आहे। हो का? गायत्रीची आई आहे, पद्मा चंद्रशेखर निहाटकर। काय वाटतं तुम्हाला तुमच्या मुलीबद्दल? माझ्या मुलीबद्दल मला फार गर्व आहे। कसं? मी शेतात गेल्यानंतर ते सगळे काम धंदे करून ठेवते, स्वयंपाक पाणी करते, आपण आल्यावर आपल्याला पाणी देते, चहा करते, याचा मला खूप अभिमान आहे।
पण मला असं वाटतं की काही ना काही शास्त्राची मदत मिळावी आणि माझ्या मुलीचं भविष्य चांगलं जावं आणि तिला नोकरी लागावी ही माझी अपेक्षा आहे. जोपर्यंत तिची आई वडील आहे तोपर्यंत तिचं चांगलं आहे. पुढचं तिचा विचार हे शास्त्राने करावं हे मला असं त्याच्याबद्दल अभिमान आहे आणि हे मला वाटते तिला काही ना काही शास्त्राने मदत द्यावी आणि नोकरी लावावी. प्रयत्न केले तुम्ही? खूप प्रयत्न केले. हो म्हटलं आणि बस नंतर काहीच नाही. आजपर्यंत काहीच भेटलं नाही? काहीच नाही भेटलं. आम्हाला एवढीच इच्छा आहे का आमच्या मुलीला काही ना काही भेटावं आणि तिला नोकरीचे 100% चान्स भेटावं. काहून तर आई वडील आहे तोपर्यंत तिचं चांगलं आई वडील गेल्यावर तिनं तिच्या पायावर उभं राहावं हेच आमची मनापासून शुभ इच्छा आहे. अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर बैंकों के 9 संगठनों की यूनाइटेड फोरम द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान सरकार की गलत नीतियों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की गई. अकोला शहर में बैंकों के 9 संगठनों की यूनाइटेड फोरम द्वारा जठारपेट स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा के सामने कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. बैंक कर्मचारियों को 20% वेतन वृद्धि, बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस का विलीनीकरण, पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी, नई पेंशन योजना को बंद करना, सभी को पुरानी पेंशन योजना लागू करना, अधिकारी कर्मचारियों के कामों की समयावधि निश्चित करना, बैंकों को 5 दिन का सप्ताह लागू करना, इन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन कार्यक्रम में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक कर्मचारियों के नेता श्याम माइनकर, दिलीप पिटके, प्रकाश दाते, सुनील दुर्गे, गजानन पवार, प्रसन्न उमालकर, नीलेश देशमुख, मंगेश डामरे, प्रशांत अग्निहोत्री, अभ्युदय ठोमरे, अनिल मावले सहित सभी कामगार संगठनों के 200 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए थे. अपने खेत में प्याज की फसल को पानी देने गए 16 वर्षीय किशोर पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया. इस घटना में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. अपने खेत में प्याज की फसल को पानी देने गए 16 वर्षीय किशोर पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया. इस घटना में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. बारशीडाकली तहसील के पिंजर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले लखमापुर निवासी 16 वर्षीय शुभम रामभाऊ सावके अपने खेत में प्याज की फसल को पानी देने गया था. तब अचानक जंगली सुअर ने शुभम सावके पर हमला कर दिया जिसमें शुभम घायल हो गया, जिसे तुरंत पिंजर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टर कुलकर्णी ने प्राथमिक उपचार किया और आगे के उपचार के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल भेजा. इससे पहले भी गांव में जंगली सुअर के हमले में कुछ लोग घायल हुए थे. वन विभाग जंगली सुअरों पर उपाय योजना करे इस प्रकार की मांग की जा रही है. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर इस साल भी सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से शिव सप्ताह का आयोजन किया गया है जिसकी जानकारी समिति द्वारा मीट द प्रेस में दी गई. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर इस साल भी सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से बुधवार 12 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान शिव सप्ताह का आयोजन किया गया है. इस साल इस सप्ताह में वैचारिक जनजागरण, इतिहास पर रोशनी डालने वाले वक्तृत्व, निबंध, चित्रकला, रंगोली, वेशभूषा, किला बनाना स्पर्धा, व्याख्यानमाला, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है. मुस्लिम समाज के सक्रिय सहभाग से एकता के संदेश का संकल्प लिया गया है. यह जानकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अभय पाटिल ने पत्रकार परिषद में दी. शिव सप्ताह के दौरान 17 से 19 फरवरी के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में संग्रहित शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन विदर्भ में पहली बार किया जा रहा है. इसके अलावा शिवराय पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन, शिव गौरव पुरस्कार, मशाल रैली के साथ ही 19 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी भी दी गई. इस अवसर पर श्री सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अभय पाटिल, कार्याध्यक्ष पवन महल्ले, सचिव चंद्रकांत झटाले, शोभा यात्रा प्रमुख पंकज झायले, डॉक्टर संदीप चौहान, विजय कौशल, डॉक्टर इसहाक राही, डॉक्टर डी जी खान, सरफराज खान, अमित ठाकरे, संगीता कोरपे, अनिता इंगले, मोहम्मद फारूक आदि उपस्थित थे. या वर्षी सार्वजनिक शिवजयंतीचा उत्सव आम्ही पूर्ण साजरा करतो. पूर्ण सप्ताहभरच हा उत्सव चालणार आहे. म्हणजे 19 तारखेला मिरवणूक राहील पण त्याच्या आधी पूर्ण आठवडाभर इथं वेगवेगळ्या विविध पद्धतीचे आचाराचे विचाराचे जे काही कार्यक्रम आहेत ते होणार आहेत. म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धा आहे, निबंध स्पर्धा आहे, व्याख्यानमाला आहे आणि विशेष म्हणजे यावेळेस ते शिवजयंती ही प्रत्येक ठिकाणी साजरी केलेली जाते. व्याख्यानमाला ही
मुस्लिम स्कूलमध्ये सुद्धा साजरी केली जाणार आहे. तिथंसुद्धा व्याख्यान निबंध स्पर्धा राहणार आहे. प्रत्येक शाळेत ती साजरी केली जाणार आहे. रांगोळी स्पर्धा आहे. त्याच्यानंतर 18 तारखेला संध्याकाळी आम्ही मशाल रॅली काढतो आहे. 19 तारखेला 4 वाजता मिरवणूक राहणार आहे. त्याच्यातही अनेक प्रकारच्या झाकी आखाडे राहणार आहेत. त्याच्यानंतर यावर्षी आम्ही 3 दिवसाचं शस्त्र प्रदर्शन ठेवलेलं आहे, जे शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन आहे. व त्याच्याबद्दलची पूर्ण माहिती येणाऱ्या पिढीला ती पूर्ण माहिती भेटेल की शस्त्र काय, कोणतं शस्त्र केव्हा कशाच्यासाठी वापरलं गेलं, असं प्रत्येक कार्यक्रम त्याच्यात यावर्षी राहणार आहे. अकोला जिला परिषद विषय समिति सभापति के साथ ही सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें भी भारी बहुजन का वर्चस्व रहा. अकोला जिला परिषद के विषय समिति सदस्यों की चयन प्रक्रिया ली गई, जिसमें 10 समितियों के 83 जगहों पर सदस्यों का चयन किया गया. लगभग 3 घंटों की चर्चा के बाद सत्ताधारियों को यह चयन प्रक्रिया निर्विरोध करने में सफलता मिली. इस दौरान कई सदस्यों को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा, जिसके कारण सत्ताधारी भारिप के सदस्यों में नाराजगी देखी गई. विषय समिति सभापति के नामों की घोषणा भी इस दौरान की गई, जिसके अनुसार बांधकाम व शिक्षण सभापति के रूप में चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषि व पशु संवर्धन सभापति के रूप में पंजाबराव वडाल, जबकि आरोग्य व वित्त सभापति के रूप में सावित्री राठौड़ का चयन किया गया है. इस सभा में अध्यक्षा प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठौड़, सभापति चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, आकाश शिरसाट, मनीषा बोर्डे, पंजाबराव वडार, शिवसेना गटनेता गोपाल दातकर, भारिप बमस के ज्ञानेश्वर सुल्ताने, कांग्रेस के सुनील धाबेकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुमनताई गावंडे, गजानन पुनकर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोदार, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेलके सहित विभाग प्रमुख उपस्थित थे. CAA के समर्थन में तिल्हारा तहसील के अंतर्गत आने वाले हिवरखेड़ में राष्ट्रीय मंच द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में देश प्रेमी नागरिक शामिल हुए थे. हिवरखेड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा मंच द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में नागरिक शामिल हुए थे. भारत के अल्पसंख्यकों को इस विधेयक से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है. केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व क्रिश्चियन समाज के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के निर्णय के समर्थन में यह रैली निकाली गई. हिवरखेड़ के सोनवाड़ी फाटा से रैली की शुरुआत की गई. इस रैली में विशाल तिरंगा सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा था. इस रैली में देशभक्ति गीतों की धुन पर नागरिक चल रहे थे. इस अवसर पर अकोट के पुलिस उपविभागीय अधिकारी सुनील सोनवने के मार्गदर्शन में हिवरखेड़ के थानेदार आशीष लवंगड़े, अकोट ग्रामीण के थानेदार ज्ञानोबा फड़, तेल्हारा थानेदार विकास देवरे द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. जयसवाल महिला मंडल द्वारा स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें जयसवाल समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 9 फरवरी 2020 को उत्सव मंगल कार्यालय अकोला में जयसवाल महिला समिति द्वारा सौ सुजाता राजेंद्र जी जयसवाल की अध्यक्षता में तथा जयसवाल वेलफेयर फाउंडेशन के सौजन्य से मकर संक्रांति प्रीत्यर्थ स्नेह मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिस तरह एक नवलखा हार को सुनार हीरो नगीनों से सवारता है, उसी तरह जयसवाल महिला समिति अकोला ने अपने नगीनों से भरे कार्यक्रम को अपने हुनरबाज कलाकारों द्वारा नवलखा हार की तरह प्रस्तुत किया. हर साल की तरह इस साल भी जयसवाल महिला समिति अकोला ने मकर संक्रांति प्रीत्यर्थ स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन सौ सुजाता राजेंद्र जयसवाल अध्यक्षा जयसवाल महिला समिति अकोला द्वारा किया गया. इसके उपरांत रंगोली स्पर्धा, संगीत कुर्ची, तिल के व्यंजन स्पर्धा, फैंसी ड्रेस, सोलो डांस, ग्रुप डांस किए गए. इस वर्ष महिला समिति ने एक नया आइटम पेश किया, मुकाबला एक कव्वाली में 9 जोड़ों ने 18 कव्वालियों की माला बनाकर एक संगीत से भरपूर धमाका पेश कर सम्मेलन में धमाल मचाई. नए पुराने मधुर कव्वालियों को सुनकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए थे. इस अवसर पर असली कव्वाली के मुकाबले का माहौल बनाया गया था, जिसके लिए नोटों की बरसात की गई और शानदार समा बांधा गया. इसके उपरांत जयसवाल ब्यूटी क्वीन अकोला 2020 का रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें जूनियर और सीनियर ग्रुप बनाए गए थे. कुल 30 युवतियों ने तथा महिलाओं ने इसमें सहभाग लिया.
जिसमें सौरश्मि संकेत जायसवाल वर्ष 2020 की जायसवाल ब्यूटी क्वीन अकोला जाहिर की गई तथा सौ स्वाति मिलिंद जायसवाल प्रथम उपविजेता और सोनिया सचिन जायसवाल द्वितीय उपविजेता घोषित की गई। बेस्ट फेस के लिए सौ सारिका रूपेश जायसवाल, बेस्ट पर्सनालिटी सौ स्तुति नागेश जायसवाल, बेस्ट स्टाइल आइकॉन कुमारी श्रेया उमेश जायसवाल, बेस्ट कॉस्ट्यूम सौ सांची मयूर जायसवाल, सीनियर ग्रुप में सौ सुजाता राजेंद्र जायसवाल वर्ष 2020 की जायसवाल ब्यूटी क्वीन अकोला जाहिर की गई तथा सौ संगीता सतीश जायसवाल प्रथम उपविजेता, सौ चंदा श्रीकिशन जायसवाल द्वितीय उपविजेता घोषित की गई। बेस्ट स्टाइल आइकॉन में सौ रेणु सुनील जायसवाल, बेस्ट फेस के लिए सौ मनोरमा राजकुमार जायसवाल, बेस्ट पर्सनालिटी सौ चंदा रानी एल जायसवाल, बेस्ट कॉस्ट्यूम सौ सुनीता सुधीर जायसवाल, बेस्ट रैंप वॉक सौ संध्या संजय जायसवाल को जाहिर किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सौ सुजाता राजेंद्र जायसवाल, सौ चंदा श्रीकिशन जायसवाल, सौ रेणु सुनील जायसवाल, डॉक्टर जयेश जायसवाल, श्री सुनील जायसवाल इनका सहयोग मिला। वाशिम जिले के मालेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले कालामाथा में 132 साल से संत अवलिया महाराज के यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहां सभी प्रकार की मन्नतें पूरी होती है। भारत देश यह विविधताओं में एकता लिए है। यहां सालों से चल रही प्रथा परंपराओं को अभी भी जीवित रखा गया है, इसलिए भारत देश विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वाशिम जिले के कालामाथा में पिछले 132 सालों से अवलिया महाराज के यात्रा महोत्सव का आयोजन अत्यंत उत्साह व भक्ति के साथ किया जा रहा है। अवलिया महाराज की इस यात्रा में कई गांवों के हजारों लोग शामिल होते हैं। इस यात्रा महोत्सव के दौरान 101 क्विंटल शीरे का प्रसाद का वितरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अवलिया महाराज के देवस्थान में जो भी कामना की जाती है वह पूरी होती है। यहाँ लोग कई प्रकार की मन्नतें लेकर आते हैं और पूरी होने पर अपनी चोटी से बैलगाड़ी खींचते हैं। पिछले 132 सालों से चोटी से बैलगाड़ी खींचने की प्रथा चली आ रही है। बंजारा समाज के नागरिकों के लिए यह यात्रा विशेष मायने रखती है। इस साल मालेगांव तहसील के कालामाथा गांव में 3 लाख लोग संत योगी अवलिया महाराज की यात्रा में पहुंचे हैं। कई श्रद्धालुओं ने अपनी कामना पूरी होने पर चोटी से बैलगाड़ी खींचने की प्रथा को आगे बढ़ाया। कालामाथा में आयोजित इस यात्रा महोत्सव के महत्व की जानकारी श्रद्धालु व स्थानिक नागरिकों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया जिले के विकास कामों का जायजा। मनपा स्थायी समिति सभा में लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई। शेगांव पैदलवारी मार्ग की भयंकर दुरावस्था। प्रशासन ने चलाया छात्रों के लिए स्वयंदीप उपक्रम। और शत प्रतिशत अपंग गायत्री बनी सभी के लिए प्रेरणा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं RRC नेटवर्क चॅनल आणि बाजूला दिसत असणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तुम्हाला मिळतील दररोज घडणाऱ्या घटनांचे नोटिफिकेशन तात्काळ. तेव्हा जरूर भेट द्या आमच्या वेबसाईटला आणि पाहत रहा RRC नेटवर्क. सेवा आमची, करमणूक तुमची.